नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान की राजनीति में रसूख रखने वाले नवाज शरीफ का परिवार इन दिनों एक बहुत बड़े कानूनी संकट से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल और उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई है। यही नहीं, नवाज शरीफ आजीवन किसी सार्वजनिक पद पर नहीं बैठ पाएंगे, वहीं मरियम भी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। नवाज शरीफ या उनकी बेटी पर कानून की तलवार नहीं लटक रही है, उनके पूरे परिवार पर कानून आफत बनकर टूट पड़ा है। अदालत ने नवाज के दामाद को भी जेल की सजा सुनाई है। मरियम के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर को नैब रावलपिंडी से पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जब वे एक रैली संबोधित कर रहे थे। इधर पाकिस्तान में कानून का साया नवाज के परिवार पर मंडरा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दो पोतों को लंदन की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के अखबारों की माने तो उन्हें लंदन में एक शख्स से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ के लंदन के एवन फील्ड में अवैध तरीके से खरीदे गए फ्लैट के बाहर प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं लोगों से नवाज के पोतों की लड़ाई हो गई, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।